हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ प्लांट्स और कुछ अपनी प्लांट्स से रिलेटेड सीड्स और कोकोपीट से चीज़ें की शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो ये है क्रोटन का प्लांट। ये बहुत ही सुंदर, इसकी बहुत सारे टाइप की वैरायटी के प्लांट्स आते हैं। इस वक्त जो है मैं एक डबल शेड वाली लीव्स का, येलो और ग्रीन कलर के लीव्स का प्लांट लेके आई हूँ। और मेरे पास इसके और भी दो तीन वैरायटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। इस वक्त इस वीडियो में अपनी शॉपिंग के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ। सो नेक्स्ट प्लांट सर फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है मैं 80 रुपीज़ का लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर प्लांट है, छाया में रहने वाला प्लांट है। और इस प्लांट से एक तरह का ऑर्नामेंटल वैरायटी का प्लांट है। और ये प्लांट हमारे लॉन की ब्यूटी को या हमारे गार्डन की ब्यूटी को और भी चार चांद लगाता है, क्योंकि इसके जो लीव्स हैं वो एक तरह की वेरीगेटेड टाइप की हैं और ग्रीन्स में के अलावा एक अपने आप में एक दूसरा कलर भी फिल करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है ओलियंडर का प्लांट। फ्रेंड्स, ये एक ग्राफ्टेड वैरायटी का प्लांट है। ये हाइब्रिड का प्लांट है। इसके ऊपर जो है वाइट कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। ये फुल समर वाला प्लांट है, पूरी समर में ब्लूम करता है, लेकिन इसको हमें हाई टेम्परेचर में डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पूरी समर में ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता रहता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने ये भी 80 रुपीज़ का लिया है। नेक्स्ट ये है, ये भी एक ओलियंडर का प्लांट है। ये भी एक हाइब्रिड का प्लांट है। इसके ऊपर रेड कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर्स आते हैं। ये भी एक समर का प्लांट है। समर में जो है ना इसकी रेगुलर फ्लावरिंग रहती है। इसके फ्लावर्स कई दिन तक टिके रहते हैं और उसके बाद जब ये शेड कर जाते हैं तो नए प्लांट्स के लिए फिर दोबारा से ये प्लांट तैयार हो जाता है और कुछ टाइम के बाद दोबारा से फ्लावरिंग करता है। फ्रेंड्स, ये भी प्लांट मैंने 80 रुपीज़ का दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, ये है तुलसी जी का। ये श्यामा तुलसी जी है। श्यामा तुलसी जी ब्लैक कलर की होती है। इस वक्त ये शेड में पड़ी हुई थी, इसकी वजह से ये ग्रीन लीव्स का इफेक्ट दे रही है। अदरवाइज़ जब हम ये सन में पड़ी रहती है तो ये जो है इसके लीव्स जो है ब्लैकिश या पर्पलिश कलर के होते हैं। ये एक होली प्लांट है, पूजा वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो मैं पूजा के पर्पज़ से ही लेके आई हूँ और इसको मैंने 20 रुपीज़ में परचेज़ किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है कोकोपीट। ये 5 kg की ब्रिक है। ये भी जो है प्लांट्स की जब हम पॉटिंग सॉइल बनाते हैं उस वक्त जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉइल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बनती है और पोरस हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हैं सीड्स, बल्ब्स हैं जो कि मैं सीड शॉप से लेके आई हूँ। ये सारे प्लांट्स मैंने सीड शॉप से शॉपिंग करी हैं। इसकी बार मैं नर्सरी नहीं गई क्योंकि कई बार नर्सरी में जो है बल्ब्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो सीड शॉप्स पे इजीली मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये हैं कैलेडियम के बल्ब्स। ये जो है ये मिक्स बल्ब्स हैं। ये जिस वक्त स्प्राउट करेंगे तब मुझे पता लगेगा कि सेम वेराइटी के हैं या डिफरेंट वेराइटी के हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने बल्ब 20 रुपीज़ ईच के लिए हैं। और नेक्स्ट ये रजनीगंधा के बल्ब्स हैं। ये भी जो है ये 15 रुपीज़ के मैंने 5 बल्ब्स लिए हैं। ये विंटर्स में नवंबर के बाद अपनी फ्लावरिंग करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर सभी बल्ब्स के ऊपर देखिए स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। तो अब इस रेनी सीजन में मैं जो है इनको पॉट्स में सो कर दूंगी तो ये जो है दिसंबर तक जो है फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ी स्टिक जो होती है, स्टॉक जो है वाइट कलर की फुल फ्लावर्स की भरी हुई आती है जो कि अपने आप में एक हमारी जो गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाती है। तो नवंबर दिसंबर के लिए अभी से ही प्लानिंग करने की मतलब तैयारी में मैं जो है सीड शॉप में गई थी। दैट्स इट। ये